हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे। बहुत अच्छा, अच्छे हो आप लोग। बच्चों, मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों ने तोता देखा है? तोता मतलब पैरट। कौन सा रंग का होता है? हरे रंग का। हाँ, और उसकी चोंच होती है बीक, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हो बीक, उसकी चोंच कौन से रंग की होती है? लाल रंग की। हाँ, तो बच्चों कौन मुझे बताएगा? आप लोगों के घर में है तोता? है किसके घर में है? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं है, कोई बात नहीं। बच्चों एक बात बताओ, तोता बहुत मीठा बोलता है, जानते हो ना आप लोग? उसकी बोली बहुत मीठी होती है। जैसे कोयल, कोयल एक चिड़िया का नाम है, तो कोयल कैसे बोलती है? कू। उसकी आवाज़ मीठी होती ना, वैसे ही तोता, अगर उसको हम सिखाएं तो वो भी बोलता है और उसकी बोली बहुत मीठी होती है। बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे एक चित्र निकाला है। एक देखो, ये तोता है और इसके हाथ में क्या है? देखो, इसने सेब दिया हुआ, ये खा रहा है एप्पल। उसको तोता को मिर्ची भी बहुत पसंद होती है। तोता मिर्ची खाता है, तोता पेरू खाता है, अमरूद जिसको बोलते हैं, अमरूद भी बोलते हैं, पेरू भी बोलते हैं, इंग्लिश में गुआवा बोलते हो आप लोग उसको, है ना? तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन तोते जनाब पर एक कविता। हाँ, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सब्जेक्ट हिंदी और टॉपिक का राइम मतलब कविता, और कविता का नाम है तोता हूँ मैं तोता हूँ। ये देखिए किस तरह से पेड़ पे बैठे रहते हैं और मीठे मीठे फल खाते हैं। ये है तोता पैरट। ओके, तो ठीक है, और सब लोग क्या करो बच्चों, आप लोग अपनी मेरी फुलवारी इस किताब को खोलो और इस पे जाइए आप लोग पेज नंबर 5 पर। देखिए इसमें है ना, यहाँ पे देखो एक ग्रीन हरे रंग का तोता, इसकी लाल चोंच है, और ये क्या कर रहा है? ये बैठ के, ये देखो, ये फल खा रहा है, फल खा रहा है। तो चलो, आप लोग रेडी हो, तैयार हो? हम लोग भी चलेंगे, आज कविता पढ़ेंगे, तोते पे कविता पढ़ेंगे। तो कविता का नाम है तोता। तो शुरू हो जाओ आप लोग, देखो ध्यान से देखो, जैसे मैं एक्शन करती हूँ उस तरह से आपको भी करके, और तभी ये कविता पढ़नी है, ठीक है? तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का तोता हूँ, चोंच मेरी लाल है, चोंच मेरी लाल है, सुंदर मेरी चाल है, सुंदर मेरी चाल है, मीठे फल मैं खाता हूँ, मीठे फल मैं खाता हूँ, जब जब माली आता है पत्तों में छिप जाता हूँ, पत्तों में छिप जाता हूँ। कैसी लगी बच्चों कविता आप लोगों को? अच्छी लगी? तो आप लोगों ने इसी तरह से रोज इस कविता को याद करना है और एक्शन के साथ बच्चों, ठीक है? चलिए, बाय बाय।